खरगोन जिले में मैनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब बिक्री से महिलाएं काफी परेशान हैं। ग्राम की महिलाएं शिकायती आवेदन लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शराबबंदी को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि गांव में अवैध शराब माफिया बुलंद हौसलों के साथ धड़ल्ले से शराब बेच रहा है और बड़ों सहित बच्चे भी शराब का सेवन कर रहे हैं और आए दिन घरों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। बहरहाल अवैध शराबबंदी को लेकर गांव की महिलाओं ने लामबंद होकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं देखने वाली बात होगी कि अवैध शराब बिक्री पर अब प्रशासन किस हद तक नकेल सकेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। रामपुरा से आए नारायणपुरा हमारी पंचायत, हमारे गांव में शराब बिक रही है, बच्चे भी बहुत परेशान है, बच्चे भी पी रहे हैं, माँ बाप भी पी रहा है, बेटा शाम को आते हैं और भाई उनको भी परेशान करते हैं, भाई उनको भी मारते हैं, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, इतनी शराब पी रहे हो, पत्ते भी बहुत खेल रहे हो, किसी की नहीं सुनवाई कर रहे हो। और सरपंच जी ने हमारे सुधार करना। ऐसी कितनी दुकानें हैं वहाँ पर? चार दुकान है और शराब वाले को उनको भी बोलते हैं तो वो भी नहीं बोल देता और उल्टा उन हमको गाली बंद देते हैं, वो भी नहीं बंद कर रहे। क्या चाहते हैं बाप? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में पत्ते भी बंद हो जाए और शराब भी बंद हो जाए, बस। क्या नाम है आपका? जीवन भाई। मेरा नाम जीवन भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।